सीता उठ। सीता ठीक है मत उठ, मैं तो जल्दी से रेडी हो जाती हूँ वरना स्कूल की पिकनिक मिस हो जाएगी। अरे वाह आज तो दोनों बड़ी जल्दी तैयार हो गए। आज पिकनिक है ना? तुम दोनों जाके डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं वही नाश्ता लेके आती हूँ। दीदी हम तुम्हें क्या क्या देखेंगे? सारे जानवर जो तुम्हारी बुक में है। सविता ये क्या है, एक दिन छुट्टी तो एक दिन लेट। एक तो मेरी वैसे ही तबीयत खराब है और तुम गायब हो, किचन 2 दिन से गंदा पड़ा है। अरे जरा टाइम देखो सविता, तुमको मैंने बताया था ना कि मुझे 9 बजे डॉक्टर के पास जाना है और तुम अभी तक लेट हो, जल्दी आओ। हाँ ठीक। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, अब आप अपना नाश्ता खत्म कीजिए। मम्मी अब डॉक्टर के पास चले जाओ, अभी बस आने में टाइम है। और अगर सविता दीदी आएंगी तो हम है ना? ठीक है बेटा, सविता आए तो उसको बोलना कि सफाई जरा अच्छे से कर ले। हेलो, अच्छा ठीक है, आज सविता दीदी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। ओह, अब सारा काम मम्मी को ही करना पड़ेगा। लेकिन मम्मी तो बीमार है ना। तुम लोग गए नहीं? ये यूनिफॉर्म की क्या हालत बना रखी है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? मम्मी वो सविता दीदी नहीं आई। मतलब? उसके बेटे को चोट लगी थी। तो हमने पूरा घर साफ किया। हाँ और अपने कपड़े गंदे कर लिए, क्या जरूरत थी सफाई करने की? मैं आती तो मैं कर लेती ना। आप तो बीमार है ना। I'm sorry बेटा, थैंक यू सो मच। बदमाश अपनी गुड़िया साफ रखी और मेरी गंदी करती। अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं ना? सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं।